दोस्तों, UDCRA में आपका स्वागत है। अभी हम बात करेंगे ACC इमर्जिंग कप का, जो कल का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा ना, उसके बारे में। तो ये मैच खेला जाएगा श्रीलंका की ए टीम और ओमान की जो ए टीम है, उन दोनों के बीच में। तो ऐसे कौन से प्लेयर्स हैं श्रीलंका ए के टीम की तरफ से और ऐसे कौन से प्लेयर्स हैं ओमान ए की टीम की तरफ से, जिनको आपको मस्ट पिक है, आपको टीम में रखना ही रखना है एक तरफा विन करने के लिए। तो आगे इस वीडियो में बात करेंगे और बात करेंगे प्लेइंग 11 की और ऐसे कौन से प्लेयर्स हैं जिनको आपको स्मॉल लीग्स में ले लेना है और ऐसे कौन से प्लेयर्स हैं जिनको आपको लेना है ग्रैंड लीग्स के लिए, है ना। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है ना, तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पर जो ब्रॉडकास्ट का बटन दिख रहा होगा आपको ना, वहाँ पर आपको दिखेगा ज्वाइन का बटन। उस पर क्लिक करने से आपको हमारा जो ये टेलीग्राम चैनल है उस पर ज्वाइन हो जाएंगे आप। और आपको टॉस के बाद हर एक अपडेट आएगी ना हमारी, जैसे कि फाइनल टीम और उसके बाद लाइनअप, सब आपको वहीं पर मिलेगी, ठीक है ना। तो और आप कोई भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे ना, तो पहला जो आपको लिंक मिलेगा वही होगा हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक, ठीक है दोस्तों। तो उस पर क्लिक करके टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि टेलीग्राम पे ही हमारी फाइनल अपडेट आएगी। और अगर आप तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसको ऐसे क्लिक करना है और नोटिफिकेशन को ऑल कर देना है, आपको हर एक वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी, हर एक स्टैट्स के बारे में सबसे पहले आपको जानकारी मिलेगी, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं आगे वीडियो में इन दोनों ही टीम की। तो पहले चलते हैं क्रिएट टीम पे और फिर फिल्टर लगाएंगे श्रीलंका एक की टीम की तरफ, ठीक है ना। तो चलिए क्रिएट बस पे चलते हैं एक बार के लिए। तो जो श्रीलंका का लास्ट मुकाबला था ना, तो वो था अफगानिस्तान की तरफ, ठीक है ना, अफगानिस्तान से। तो अफगानिस्तान ने क्या किया पहले देख लेते। प्लेइंग 11, अविष्का फर्नांडो, लासित कॉर्प्यूल, एम भानुका, जो विकेट कीपर सेक्शन में आपको दिखने को मिलेंगे, सीबीसी के सबसे बढ़िया पिक ग्रैंड लीग के लिए, है ना। उसके बाद पासिंदू, फिर सरन, फिर आशेन, फिर डी वेलेजेंस जो बॉलिंग भी करेंगे, सी कर्णरत्ने, डी हेमंत, उसके बाद लाहिरू, शमारकुन, फिर बी फर्नांडो, कुछ इस तरह से आपको दिखने को मिलेगी प्लेइंग 11 श्रीलंका की, ठीक है ना। तो इसमें से सबसे बढ़िया जो बैट्समैन है अविष्का फर्नांडो है, एम भानुका है, फिर डी वेलेजेंस है जो बॉलिंग भी करेंगे, और ये है बिनुरा फर्नांडो। हाँ, इनको आपको टीम में पक्का रखना है और किसी टीम में CVC भी बनाना है, ठीक है ना, ग्रैंड लीग की। और अगर बॉलिंग की बात करें, किसने कितना विकेट लिया, चमिका कर्णरत्ने 3 विकेट, डी हेमंत 2 विकेट, डी वेलेजेंस 10 ओवर बॉलिंग कर रहे हैं 1 विकेट लिया, बिनुरा फर्नांडो 1 विकेट, कुछ इस तरह से है परफॉर्मेंस। तो चलिए देख लेते हैं कैसा परफॉर्म कर रहे। विकेट कीपर सेक्शन में हमको लेना है भानुका को, श्रीलंका की तरफ से मस्ट पिक है और CVC के सबसे प्रबल दावेदार भी है, ये चीज़ याद रखना। फिर अविष्का फर्नांडो को हम लेंगे, ठीक है ना। फिर ऑलराउंडर सेक्शन में कर्णरत्ने आपके लिए मस्ट पिक बन जाते हैं, डी हेमंत मस्ट पिक बन जाते हैं, वेलेजेंस आपके लिए मस्ट पिक बन जाते हैं। और हमको ये अगर एक दो प्लेयर लेना है, हाँ एक चीज़, लाइनअप के बाद अगर इन तीनों में से कोई भी खेला, पृथ्वीराणा, मधुशंका और पी मधुशंका, इन तीनों में से कोई भी खेला हमारे टीम में डायरेक्टली आ जाएगा। किसके बदले में आएगा वो तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन होने के बाद ही अपडेट मिलेगा, ठीक है ना। तो ये है, और उसके बाद है ए भंडारा भी अच्छे प्लेयर है, उसके बाद एल अच्छे प्लेयर है। तो अभी के लिए हम लेके रखेंगे अपने टीम में इनको, कहा कि हाँ इनको।
तो ये छह प्लेयर्स हो जाते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। एक सेकेंड, हाँ ये सात प्लेयर्स हो जाते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है श्रीलंका की तरफ से। इसमें आपके तीन टॉप ऑर्डर के बैट्समैन आ गए है ना। और बॉलिंग की बात करें, ये एक दो तीन चार, चार बॉलर्स आ गए। ये दोनों 10-10 ओवर बॉलिंग करेंगे। ये भी लगभग 8 से 9 ओवर बॉलिंग करते हुए आपको दिखेंगे। डी हमलता हेमंत 10 ओवर बॉलिंग करेंगे ठीक है ना। तो करीब 40 ओवर आपको बॉलिंग मिल गया। उसके बाद तीन सबसे बढ़िया टॉप ऑर्डर के बैट्समैन आ गए हमारे टीम में और दो ऑलराउंडर भी आ गए। परफेक्ट हो गया हमारा श्रीलंका की टीम। अभी फिल्टर लगाएंगे हम ओमान की टीम पे, तो देख लेते हैं ओमान की टीम से किसने कितना परफॉर्म किया, कैसा परफॉर्म किया वो भी देख लेते हैं ना। क्योंकि एक प्राइम टीम ऐसी तो बनती है ना, ऐसी तो हम किसी को भी नहीं ले सकते, परफॉर्मेंस देखना पड़ता है हमको किसने कैसा किया। एक कश्यप सबसे बढ़िया प्लेयर और मस्त पिक प्लेयर है इनकी टीम से। एक कश्यप को हम लेंगे। एक सेकंड, एक कश्यप कहाँ गए? एक कश्यप, एक कश्यप, एक कश्यप कहाँ गए, कहाँ गए? एक सेकंड, ये रहे कश्यप, इनको हम ले लेंगे अपनी टीम में ठीक है ना। और ए इलियास, इनको भी हम टीम में रखेंगे। जो लोग अफगानिस्तान की जो प्रीमियर लीग होती है ना वो खेलते हैं ना, उनको पता है ए इलियास कितने अच्छे प्लेयर हैं। देखिए 2 ही ओवर बॉलिंग किया और 2 विकेट ले गए, तो इससे अब समझ में आएंगे कि कितना इम्पोर्टेंट बॉलर है ये। और बैटिंग भी करेंगे ठीक है ना, तो मस्ट पिक बन जाते हैं आपके लिए। फिर आते हैं आयान खान। कहा गए आयान खान, आयान खान, फिर एफ भट्ट और कलीमुल्ला, ये दोनों अच्छे प्लेयर्स हैं। ये कलीमुल्ला है ना, ये ओमान की जो मेन टीम है उसमें भी खेलते हैं ये चीज़ याद रखना ठीक है ना। और ये जो प्लेयर है ना, मैंने जो बोला एक ए इलियास, ये ओमान की तरफ से है, पर अफगानिस्तान में जो प्रीमियर लीग होता है ना उसमें भी ये आपको खेलते हुए दिखेंगे ठीक है ना, क्योंकि अच्छे प्लेयर है। तो भारत जो लीग है उसकी, जो हमारे जो इंडिया में आईपीएल होता है वहाँ पर अफगानिस्तान में भी लीग होता है, उसमें खेलते हैं T20 लीग में। एफ बट ये भी अच्छे खासे प्लेयर हैं, पर अभी के लिए हम इन चारों को ही लेके रखेंगे अपने टीम में। इसमें हमारे पास आ गए एक दो तीन बैट्समैन और तीन बॉलर, एक दो तीन, तीन बॉलर ठीक है ना। तो अभी के लिए यही, अगर CBC की बात करें, एम भानु का आपके लिए सबसे बढ़िया पिक कैप्टेंसी के। और फिर वाइस कैप्टन की बात करें तो आपके लिए सबसे बढ़िया पिक हो जाएंगे डी हेमंत ठीक है ना। और अगर आप ओमान की तरफ से जानना चाहते हैं कौन है सबसे बढ़िया पिक, वो है ए इलियास। इनको आपको CBC बनाना है ग्रैंड लीग में, और स्मॉल लीग में भी आप वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं इनको ठीक है ना। तो हाँ अभी के लिए सेव करते हैं, प्रीव्यू देख लीजिए एक बार, देख लिया। तो ये है स्मॉल लीग की टीम। ग्रैंड लीग में आप क्या कर सकते हैं, ग्रैंड लीग में हम ग्रेट टीम पे जाएंगे। एक सेकंड, हाँ को ले लेते हैं। आपको ग्रैंड लीग में क्या करना है, अब इसका फर्नांडो को ड्रॉप कर देना है, और उसके बाद यहाँ पर एफ भट्ट को ले लेना है ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ से हेमंत या आयान खान, समझो हम आयान खान को ड्रॉप करेंगे, और यहाँ से हम ले लेंगे बॉलर को। कौन है वो बॉलर, कौन है वो बॉलर, एक सेकेंड, एस आज ये है और ये है, हम इसको ले लेंगे। और हमको पता है क्या करना है, आपको डायरेक्टली आपको कैप्टन बना देना है इसको, जिसको हमने ड्रॉप किया स्मॉल लीग में उसको हमने कैप्टन बना दिया, और डी हेमंत का वाइस कैप्टन। तो ऐसे बनती है ग्रैंड लीग्स की टीम ठीक है ना। तो अगर कुछ भी अपडेट आया ना दोनों ही टीम का, वो आपको मिलेगा कहाँ पर, हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो उससे ज़रूर ज़रूरी ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम चैनल को, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद आपको।